त्रिस्तर पंचायत निर्वाचने विजयी প্রার্থীদের নিয়ে সম্বর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হলো খানাকুলের রামনগরে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর ছাড়াও বিজেপির রাজ্য ও জেলা নেতৃত্ব। এদিন সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনায় সরব হন মন্ত্রী। এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের কথাও তুলে ধরেন। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে কাছে পেয়ে উচ্ছ্বসিত খানাকুলের বিজেপি কর্মীরা। होगा महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दो तब जाकर मेरी बहनें कभी आपको दुआ दे पाएंगी, लेकिन अगर मां शब्द कहीं और तुष्टिकरण की राजनीति में जाना है तो बाकी आपको बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। ये तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी। महिलाओं का सम्मान चाहिए, युवाओं के लिए रोजगार चाहिए, कानून व्यवस्था में सुधार चाहिए, पर कैपिटल इनकम में बढ़ावा चाहिए, अपराधियों को जेल में डालिए, अपनी सरकार का संरक्षण मत दीजिए, नहीं तो लोगों की बद्दुआएं मिलेगी। अगर कांग्रेस भी नहीं टिक पाए तो तृणमूल कांग्रेस भी नहीं टिक पाएगी, मेरे भाई और बहनों नहीं टिक पाएगी। और ये मैं आप तो उसका लाभ किसको मिला? उसका लाभ गरीब को सबसे ज्यादा मिला। इन 5 सालों में लगभग 4 करोड़ पक्के मकान बनाकर दिए, जितने 70 साल में नहीं बने थे। इन 9 सालों में 12 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर दिया। इन 9 सालों में 48 करोड़ लोगों के बैंक खाते खोले। इन 9 सालों में 34 लाख करोड़ रुपया मुद्रा योजना से ऋण दिया, बगैर गारंटी के लोगों को अपने पांव पर खड़ा होने का अवसर दिया। इन 9 सालों में 10 करोड़ घरों को नल से जल देने का काम किया। इन्हीं 9 सालों में 27 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम भी मोदी सरकार ने किया है, जो 70 साल में कोई नहीं कर पाया वो मोदी सरकार ने कर। मित्रों, हमारा देश दुनिया का सबसे ज्यादा हथियार आयात करने वाला था। मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। अब भारत आयात नहीं करता है, अब हमारे यहाँ पर हथियार भी बनते हैं, मिसाइल भी बनती है, और लड़ाकू विमान भी बनते हैं, हेलीकॉप्टर भी बनते हैं, देश के लिए भी बनते हैं, और अब दुनिया के लिए बनाने का काम भी हमारे भारत ने शुरू कर दिया है। कभी हम आयात करते थे, इस साल 1 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग की और 16 हजार करोड़ का निर्यात यानी कि विदेशों में भेजने का काम किया। अब आगे क्या है? ये जो मोबाइल फोन से आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, ये मोबाइल फोन आज से 5 साल पहले विदेशों से आते थे, वियतनाम से, चाइना से, ताइवान से, अन्य देशों से। मोदी जी ने कहा देश में बनाएंगे। आज ये एप्पल जैसा फोन भी, जो दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा फोन गिना जाता है, आज वो फैक्ट्री भी हिंदुस्तान में लगी है और वो हजारों करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। भारत दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन इंपोर्ट करने वाला था, आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर हमारा भारत केवल 5 साल में बन गया। मेरे भाई और बहन, मोदी जी ने भारत के लोगों पर विश्वास किया, तो अब हम जहां एक और चौड़ी सड़कें देश में बना रहे हैं, वहीं पर चंद्रयान भी भारत पहुंचा रहा है, ताकि चंद्रमा पर क्या होता है उसकी खोज करने का काम भी हमारा भारत कर रहा है। जो दुनिया के मात्र 4-5 देश कर पाए, उसमें भारत के वैज्ञानिकों ने और भारत की सरकार ने भी एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है। से अपनी बातें साझा की और डर का एक वातावरण, एक महिला मुख्यमंत्री के चलते महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ा, निर्वस्त्र करके घुमाया गया, दुष्कर्म की घटनाएं, किसी को मार दिया गया, 57 लोगों की हत्या पिछले 1.5 महीने में हुई, कौन जिम्मेदार?
ममता जी जवाब दीजिए। और ये जो लोग मणिपुर गए हैं सांसद, मैं सभी माननीय सांसदों से कहना चाहता हूँ, अगर मणिपुर को लेकर गंभीर हो तो पश्चिम बंगाल को लेकर क्यों नहीं? अगर मणिपुर जाने का समय है तो बंगाल आने का कोई नहीं। अगर मणिपुर की महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ सकते हो तो पश्चिम बंगाल की महिलाओं के लिए क्यों नहीं? पश्चिम बंगाल की धरती यहाँ के लोगों और महिलाओं के लिए कोई खड़ा है तो केवल भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना बोरिया बिस्तरा समेट चुके हैं, बंगाल से जा चुके हैं, ममता बनर्जी के आगे हथियार डाल चुके हैं, और वो लोग एक हाथ से ममता जी एक को चॉकलेट खिलाती है, एक हाथ से दूसरे को खिलाती है। तो कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से मैं पूछता हूँ, कहाँ गया आपका ईमान? क्या महिलाओं के खिलाफ बढ़ता अपराध आपको दिखता नहीं? सर, 57 लोग जैसा कि आप बताएं कि मर चुके हैं, पर यहाँ की जो सरकार है वो बोलती है कि नहीं, इतने लोग नहीं मरे। बताएं कितने लोग मरे, बताएं कितने लोग मरे। यहाँ की सरकार तो ये भी कहती है कि बैलेट पेपर नहीं चुराए गए, पोलिंग बूथ नहीं लूटे गए। अरे नालों पे, नालियों में, नदियों में बैलेट पेपर मिलते हैं, बैलेट बॉक्स मिलते हैं, हर जगह बम धमाके होते हैं, लोगों की हत्याएं होती हैं, वीडियो बाहर आते हैं बैलेट पेपर पर ठप्पे लगाते हुए तृणमूल पार्टी के चुनाव चिन्ह पर, और ममता बनर्जी चुप रहती हैं। ये दिखाता है कि संरक्षण दिया है तो उस महिला मुख्यमंत्री ने अपराधियों को, महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को और पोलिंग बूथ लुटने वालों को। ये भी बोल रही है कि अगर हिंसा अगर इस तरह से हुआ होता तो भाजपा इतनी सीटें नहीं ले पाती। अरे ये तो इतनी हिंसा के बावजूद हम जीते हैं। अगर हिंसा ना हो, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज कोर्ट में दे दी जाए तो ममता बनर्जी की सरकार की पूरी पोल खुल जाए। নিউনূর সোফা সেন্টার, এখানে সমস্ত রকম সোফা পাইকারি ও রিটেলে বিক্রয় করা হয়। সমস্ত সোফা নিজস্ব কারখানায় তৈরি করা হয়। প্রোপাইটার হানিফ হোসেন খাঁ ও রুহুল হোসেন খাঁ, বড়ডোঙ্গল হারতলা সিনেমা হলের সন্নিকটে, হুগলি। যোগাযোগ 7797170093 এবং 9382003105।